चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां राजधानी में अब मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। भोपाल पहुंचे 3 कोच, मेट्रो के कोच अनलोड हुए सुभाष नगर डिपो में। ये कोच अनलोड हुए, हर कोच है 42 टन वजनी। इसके अलावा 25 सितंबर के बाद ट्रायल रन होगा, तो बहुत जल्द राजधानी भोपाल में मेट्रो दौड़ेगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से राजधानी में अब जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी, अब बता दें आपको मध्य प्रदेश वासियों का इसका लंबे समय से इंतजार था और अब इंतजार कहीं ना कहीं जल्द खत्म होगा। भोपाल पहुंची 3 कोच वाली मेट्रो, मेट्रो के कोच अनलोड किए गए हैं सुभाष नगर डिपो में, इन्हें अनलोड किया गया। इसके साथ ही हर कोच में 42 टन वजन बताया जा रहा है। 25 सितंबर के बाद इसका ट्रायल रन किया जाएगा। तो 3 कोच जो है भोपाल में अनलोड कर दिए गए हैं, इनका ट्रायल होगा 25 सितंबर के बाद और हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही राजधानी में मेट्रो दौड़ेगी। भोपाल वासियों को इस वक्त का इंतजार है क्योंकि काफी लंबे समय से मेट्रो का काम यहां पर चल रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द मेट्रो जो है राजधानी में दौड़ेगी और लोगों को इससे कई सुविधाएं भी मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी इसी कोशिश में है कि चुनाव से पहले पहले मध्य प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात के तौर पर मेट्रो दे दी जाए, पहली मेट्रो जो है उसकी शुरुआत कर दी जाए और 25 सितंबर को इसका ट्रायल रन किया जाएगा। और देखिए, अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से एक बड़ी सौगात है जनता को दी जा रही चुनाव से पहले, एक और सौगात की तैयारी जो है कहीं ना कहीं वो बीजेपी कर रही है। और देखिए, अब देखना होगा जो बड़ा लंबा इंतजार मध्य प्रदेश वासियों को रहा है हमेशा से मेट्रो का, अब वो इंतजार जल्द ही खत्म होगा। विधानसभा चुनाव से पहले ट्रायल रन कर दिया जाएगा 25 सितंबर को और उसके बाद देखना होगा कि कब से मेट्रो पर जो मध्य प्रदेश वासी हैं वो इसका लुत्फ उठा सकेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, 25 सितंबर वो दिन होगा जब मध्य प्रदेश वासियों का जो इंतजार है मेट्रो में सवार होने का वो खत्म हो जाएगा। जी वैभव, चलिए माफी चाहेंगे आपको, फिलहाल हमारा तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है संवाददाता से। तो देखिए, राजधानी में अब मेट्रो जल्द दौड़ेगी और बता दें कि 25 सितंबर के बाद इसका ट्रायल रन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को यहां पर आएंगे, जिसके चलते ये ट्रायल रन उस दिन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो व्यस्त रहेंगे और उसके बाद इस ट्रायल रन को किया जाएगा, यानी कि 25 सितंबर के बाद कभी भी ट्रायल रन हो सकता है। सुभाष नगर डिपो में इसे अनलोड कर दिया गया है और हर कोच 42 टन के वजन के बताए जा रहे हैं। भोपाल 3 कोच वाली मेट्रो पहुंच चुकी है, मेट्रो के कोच अनलोड कर दिए गए हैं सुभाष नगर डिपो में और देखिए अब जो तैयारियां हैं वो ट्रायल रन को लेकर की जा रही हैं और जल्द ही इंतजार जो है मध्य प्रदेश वासियों का खत्म होगा। बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात के तौर पर प्रदेशवासियों को मेट्रो देने जा रही है और इसी के साथ अब यात्रियों को भी काफी ज्यादा सुविधाएं होगी क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं भोपाल में जो काफी दूर होते हैं, जिसके चलते जो यात्री हैं जो डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या है प्रदेश में और मेट्रो के आ जाने से ये सारी समस्याओं से हम कह सकते हैं कि निजात मिलेगा। यात्रीगण जो है काफी सुविधा से और अपने समय पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे, तो एक कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है जो मध्य प्रदेश सरकार जो जनता को देने वाली है और बहुत जल्द हमें भोपाल में मेट्रो ट्रेन दौड़ती नजर आएंगी। और क्योंकि 3 कोच अब अनलोड कर दिए गए हैं और बहुत जल्द इनका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद बिल्कुल अस्मिता, अगर देखा जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश एक एजुकेशन हब बन चुका है और ऐसे में जो विद्यार्थी हैं वो बड़े दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं और ट्रैफिक जो है एक बड़ी समस्या खास तौर पर भोपाल में बन गई है, लेकिन अब जल्द ही इस समस्या से भी निजात मिलेगी और वो दिन वापस आएगा जब मेट्रो में यहाँ पर लोग सवार हो पाएंगे। क्योंकि पहले एक समय हुआ करता था जब इतना ट्रैफिक नहीं होता था, लेकिन एजुकेशन हब होने की वजह से यहाँ पर लगातार अब ट्रैफिक की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है और मेट्रो का काम होने की कार्य शुरू होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं जो हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन अब जल्द ही इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे प्रदेशवासी और मेट्रो का लुत्फ उठा सकेंगे और जल्द ही मेट्रो जो है उसका ट्रायल रन 25 सितंबर के बाद कभी भी किया जा सकता है। और अभी तक ये तारीख तय नहीं की गई, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि 25 सितंबर के बाद मेट्रो का जो ट्रायल है वो होगा, क्योंकि मेट्रो के जो कोच हैं वो अनलोड हो चुके हैं, भोपाल पहुंच चुके हैं 3 कोच और राजधानी में अब जल्द ही
जो मेट्रो की रफ्तार है वो देखने को मिलेगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। वैभव, लंबे समय से प्रदेशवासियों को मेट्रो का इंतजार था और 25 सितंबर के बाद अब लगता है शायद ये इंतजार जल्द खत्म होगा। बिल्कुल, जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो भोपाल में मेट्रो चलने जा रही है उसकी ये पहली झलक है। भगवा रंग में ये कह सकते हैं कि लाइट ऑरेंज कलर में ये मेट्रो का पूरा कलर नजर आ रहा है। करीबन 42 टन बजनी ये प्रत्येक मेट्रो की कोच रहेंगी और 3 कोचेस आए हैं गुजरात के बड़ोदरा के सावली से। 1000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके 3 कोचेस यहाँ पर पहुंचे हैं। देर रात ये कोच यहाँ पहुंच गए थे। अब से कुछ देर पहले इन कोचेस की अनपैकिंग की गई है और करीबन 5 दिन बाद ये जो कोचेस हैं इसका ट्रायल रन किया जाएगा। और ऐसी जानकारी मिली है मेट्रो के सोर्सेस ने बताया कि अगले साल अप्रैल मई तक पहली कमर्शियल मेट्रो राजधानी भोपाल में चल सकती है। तो भोपाल में जो मेट्रो चलेगी आप उसकी पहली झलक सामने देख सकते हैं, लाइट ऑरेंज कलर में रहेगी, भगवा कलर भी इसे हम कह सकते हैं। तो एक बेहद महत्वपूर्ण पल है क्योंकि इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से, कि सवाल कई सारे थे भोपाल वासियों के मन में कि किस तरह की मेट्रो होगी, किस तरह का उसका डिजाइन होगा, किस तरह का कलर होगा, किस तरह की सुविधाएं होंगी। हालांकि इससे पहले एक डमी कोच का जरूर अनावरण किया गया था स्मार्ट सिटी पार्क के नजदीक ही, लेकिन ये वो पहला एक्चुअल कोच है जो कि राजधानी भोपाल में हमें दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो अगले साल में कमर्शियल मेट्रो चलने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अगले 5 से 6 दिन में इसका ट्रायल रन भी किया जाएगा। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि इसका जो ट्रायल रन है 5 से 6 दिन में कर लिया जाएगा और नए साल में अब जो मध्य प्रदेश वासी हैं खासतौर पर भोपाल वासी हैं वो मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सभी के मन में चल रहा है वो ये है वैभव, जब हमने देखा था जब दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो कई हादसों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन क्या उन सभी हादसों से सीख लेकर यहाँ पर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरह के कोई अनहोनी ना हो? बिल्कुल अमृता, पुरानी चीज़ों से सबक लेकर ही आगे बढ़ा जाता है। और अब तो जो भोपाल में वो मेट्रो चलने जा रही है तो वो बेहद आधुनिक होगी, उसमें हर वो सिस्टम लगाया जाएगा ताकि मेट्रो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। इसके साथ ही आधुनिक प्रणाली का उपयोग करके जो यात्री इसमें सफ़र करेंगे उनकी सुरक्षा के लिए भी चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे। तो ये वो मेट्रो है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बेहद अति आधुनिक जो सुविधाएं होती है उससे भी लैस है। इसमें सुरक्षा तंत्र भी बेहद काफ़ी मजबूत लगाया गया है ताकि जो यात्री हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसने यात्रियों के साथ ही मेट्रो की सभी सुरक्षाओं का खास ख्याल रखा है, सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा है। क्योंकि जब मेट्रो का कह सकते हैं कि रूट प्लान बन रहा था तभी इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली गई थी, कई तरह की मेट्रो में चलाने की बात भी की गई थी, लेकिन जो बेहतर मेट्रो है वही मध्य प्रदेश में चले सरकार ने इसकी भी प्रयास किए थे। तो भोपाल में भी मेट्रो का पहला कोच है जिसका कह सकते हैं कि जिसकी अनपैकिंग हो चुकी है और जिसकी पहली झलक आप मेरे पीछे देख रहे हैं और जल्द ही इसका सफल ट्रायल रन भी होगा और अगले साल अप्रैल मई तक पहली कमर्शियल मेट्रो राजधानी भोपाल में हमें चलती हुई नजर आएगी। बने रहिए आप हमारे साथ वैभव, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें भोपाल मेट्रो के लिए 3 कोच रविवार देर शाम भोपाल पहुंच गए और इन्हें मुबारकपुर टोल टैक्स नाका पर रखा गया है। देर रात इन्हें सुभाष नगर डिपो में लाया जाएगा और जिस तरह से मेट्रो कोच की पहली झलक पाने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कितने उत्साहित यहाँ पर जो मध्य प्रदेश वासी